तो हेलो भाई, वेलकम टू एलजी सफाई। देखो, मैंने जो पिछले वीडियो दिया था मेन चैनल में, तो वहाँ पर बताया था अगर आप 100 लाइक्स कंप्लीट करते हो तो देन मैं आपको न्यू लूट बताऊंगा। तो लूट जो वो मैं कल तक आ जाना था, चाहिए था, बट वहाँ पर मेरे को यहाँ पर इस एप्लीकेशन में KYC रिक्वायर्ड है। तो मैंने KYC के लिए डाला था, बट KYC रिजेक्शन हो गया क्योंकि एक छोटा सा अपडेट उसमें आ गया है, इसके लिए रिजेक्शन हो गया। क्या अपडेट है वो मैं आपको बता दूंगा, तो वीडियो अच्छे से देखना। और ये लूट मैंने जो 4-5 दिन या 6-7 दिन से पता था, शायद 5 दिन से, बट मुझे डालना था बट वेरीफाई करके, तो इसीलिए नहीं डाला था। तो अभी डाल रहा हूँ, तो पहले बता रहा हूँ KYC रिक्वायर्ड। अगर आप KYC कर सकते हो देन सही है, वीडियो को देखना, वरना आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हो। ओके, यहाँ पर आपको क्या चाहिए KYC में, कोई पैन कार्ड वगैरह का जरूरत नहीं, सिर्फ आपको नेशनल आईडी की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ नेशनल आईडी और आपका सुंदर सा मुखड़ा, इतना ही ज़रूरत है। अगर आपके पास इतना है, मुखड़ा तो सबके पास है और नेशनल आईडी तो सबके पास ही होगा, तो सब लोग इसको लूट लेना। कैसा क्या सीन है मैं सब कुछ इस वीडियो में क्लियर आउट कर दूंगा। उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, मेन टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है लेजेंड क्रिप्टो, लेजेंड क्रिप्टो 0 आप सर्च कर सकते हो, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे लूट्स आते रहते हैं, लूट्स का प्रूफ से यहाँ पर भंडार बढ़ता रहता है। आप जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हो, मैं आपको फोर्स आउट नहीं करूँगा, आप जाकर खुद चेक कर लेना। हमारा सेकंड चैनल, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेटीएम लूट्स, उसके साथ सोलाना वेज एयरड्रॉप आता है और कुछ नहीं, सिर्फ सोलाना वेज एयरड्रॉप और पेटीएम लूट। अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दोनों चैनल का लिंक है। तो अभी डायरेक्टली मैं लूट की तरफ बढ़ता हूँ। जो भी मैंने बताया था, कि अगर आप मेन चैनल में जो वीडियो डाला था वहाँ पर अगर आप 100 लाइक्स कंप्लीट करते हो देन मैं आपको लूट, न्यू लूट के बारे में बताऊंगा। तो न्यू लूट आ रहा है, यहाँ पर कंटैक्ट किया जा रहा है। देखो, यहाँ पर लूट लूट आ रहे, एक अंबर हाफ है, शायद कुछ लोगों को पता होगा, मुझे पता है, बट फिर भी डाल रहा हूँ, 50% लोगों को पता नहीं होगा, तो उनके लिए डाल रहा हूँ। क्या क्या सीन होगा मैं पहले बता रहा हूँ। पहले तो आपको लिंक दिया जाएगा, लिंक ओपन होगा क्रोम में, सब कुछ बता रहा हूँ, क्रोम में ओपन होगा। देन आपको आपका जीमेल पासवर्ड देकर साइन अप करना। ओके, इतना काम खत्म करना, सिर्फ इतना करना कि देखो वहाँ पर क्रोम में साइन अप करना। देन जैसे साइन अप करोगे देन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, करने के लिए बोलेगा, देन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, एप्लीकेशन को देन ओपन करना, देन एप्लीकेशन को मी के ऑप्शन में क्लिक करना, यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आ रहा होगा। आफ्टर साइन अप, पहले वहाँ पर साइन अप कर लेना क्रोम में, देन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, देन इसको ओपन करना, देन आपका जीमेल और पासवर्ड देकर इसको साइन इन। एप्लीकेशन ओपन होगा देन मी के सेक्शन में जाना, मी के सेक्शन में जाने बाद आपको ऊपर में कूपन दिख रहा है, कूपन के ऑप्शन में क्लिक करो। यहाँ पर आपको तीन टाइप का कूपन दिख रहा है, एक है $5, एक है $3, एक है $10। $10 वाला और $5 वाला थोड़ा सा दिक्कत है, मैं आपको पहले सब कुछ बताऊंगा, पहले मैं $3 वाला बताता हूँ। $3 वाला क्या है, सिंपल से आपको एक्टिवेट के ऑप्शन में क्लिक करना, वेरीफाई के ऑप्शन में क्लिक करना, देन आपको बेसिक वेरीफिकेशन करना। देखो मेरा रिजेक्टेड दिखा रहा है, मैंने डाला था बट यहाँ पर कुछ नया सा इंप्रूवमेंट आ गया, जिसके वजह से नया सा अपडेट आ गया है, जिसके वजह से यहाँ पर मेरा रिजेक्शन होगा। तो मैं फिर से अभी आपको डालकर दिखा दूंगा, डालकर तो नहीं दिखा सकता क्योंकि आपको शो ही नहीं होगा, फिर भी मैं बता दूंगा क्या कुछ सीन है। ओके, सिंपल से यहाँ पर क्या होगा ना, वेरीफाई नाउ आ रहा होगा, वेरीफाई नाउ के ऑप्शन में क्लिक करो। को मांगेगा पासपोर्ट या आइडेंटी कार्ड, तो आपको आपका आइडेंटी कार्ड सेलेक्ट करना है। हमारे इंडिया से हो तो आप अपना आधार कार्ड जो होता है इंडिया में, तो उसका फ्रंट पेज देन बैक पेज, देन क्या करना मांगेगा कि आपका सुंदर सा मुखड़ा जो फेस है, फेस सिर्फ, और जो हाथ में पकड़कर वो ऐसा कुछ सीन है या पैन कार्ड वगैरह कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं है, सिर्फ आपको नेशनल आईडी का फ्रंट पेज, बैक पेज और आपका फेस। आपका क्या होगा ना, मैक्सिमम 24 आवर लगेगा KYC अप्रूव्ड होने को, मतलब अभी डालोगे तो आपको 24 आवर में जाकर पता चलेगा। ओके, उसके बाद क्या होगा ना, उतना में डालकर मैं आपको बताता हूँ और क्या क्या मांगता है। देखो यहाँ पर जो जो बताया था, फ्रंट फेज, बैक फेज, देन फर्स्ट फेज देना, देन देखो यहाँ पर दिख रहा है प्रोसेस विद इन 1 बिजनेस डे। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कंटिन्यू के सेक्शन में क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर इतना जो डिटेल्स है, यहाँ पर जो 4 पेज का डिटेल है इसको भी डाल देना। पहला मांग रहे हैं व्हाट्स योर करंट ऑक्यूपेशन, तो आपका आप अभी क्या काम कर रहे हो, अनएम्प्लॉयड डाल दिया। कि उसके बाद आपका एनुअल इनकम कितने, मतलब आप एक ईयर में कितना इनकम कर रहे हो, और आपका इन्वेस्ट कितना कर रहे हो, और आपका सोर्स ऑफ वेल्थ कैसा है, मतलब आप कैसे, आपको फैमिली कैसे, क्या आप कैसे चलते हो। ओके, मैं हिंदी में बोल नहीं पा रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे, तो आपका फैमिली कैसे चल रहा है। तो उसके बाद ये डालने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करना, देट डियर यूज़र प्लीज़ प्रोवाइड योर USD बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो सिंपल सा सीन है, यहाँ पर आपको आपका बैंक का डिटेल्स डालना पड़ेगा। ओके, तो भाई सबके पास तो पेटीएम पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक, जो भी बैंक से वो सब कुछ बैंक चलेगा, तो आप किसी भी बैंक का डाल सकते हो। प्लीज़ एंटर द 8 और 11 डिजिट स्विफ्ट कोड, तो ये मांग रहा है, रुक जाओ, शायद कुछ स्विफ्ट कोड वगैरह मांग रहे, तो मेरे को तो ज़्यादा जानकारी नहीं स्विफ्ट कोड के बारे में, तो थोड़ा सा मैं उसका गूगल में सर्च करके बताता हूँ। यहाँ पर जो स्विफ्ट कोड है वो आपको मैं एक लिंक दे दूंगा, लिंक में क्लिक करना, क्लिक करने बाद वो ऐसा कुछ आएगा। तो देखो यहाँ पर आपको इंडिया सिलेक्ट करना है, देन आपको सिलेक्ट कंट्री तो इंडिया कर लिए, देन यहाँ पर आपको जो भी कुछ है वो सिलेक्ट करना है। ओके, रुक जाओ,
बताता हूँ, यहाँ पर आपको इंडिया, देन कंट्री, आपका जो बैंक है कौन सा बैंक, देन आपका सिटी होगी। तो यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक का नहीं आएगा, जो फिजिकल बैंक है उसका आ जाएगा। देन आपको यहाँ पर स्विफ्ट कोड आपका मिल जाएगा, यहाँ पर लिखा होगा स्विफ्ट कोड डाल देना, आपका जो भी कुछ है डालने वाले सिंपल, तो आपका स्विफ्ट कोड मिल जाएगा कि ये रहा हमारा स्विफ्ट कोड हमारे एरिया का, तो आपका एरिया का आपके मिल जाएगा जिसके पास फिजिकल बैंक है। जिसके पास फिजिकल बैंक नहीं है क्या करो, सिंपल से यहाँ पर आपका जो आईएफसी कोड होता है वो आईएफसी कोड डाल दो। मैंने देखो अपना स्विफ्ट कोड डाला तो ऐसा आ गया, ओके, तो मैंने अपना डाल दिया है। आप पेटीएम या एयरटेल पेमेंट बैंक यूज़ करते हो, सिंपल सा फंड है, आप कस्टमर केयर को फ़ोन करो और बोलो कि सर मुझे पेटीएम पेमेंट बैंक का स्विफ्ट कोड चाहिए, तो वो आपको बता देंगे शायद, मुझे जो लग रहा है 90%। फिर भी देखो यहाँ पर हमें कैसे भी करके, यहाँ पर हमें बैंक अकाउंट से कोई लिंक वगैरह नहीं रखना है, ओके, यहाँ पर हमें डिपॉजिट करना है डायरेक्टली फंड और विड्रॉल करना है डायरेक्टली फंड, ओके। तो हमें यहाँ पर बैंक कॉइन स्विच कॉइन डिसेज वगैरह ये सीन नहीं है, ये अलग है। यहाँ पर मांगेगा देखो प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये क्या होगा, तो आपका जो बैंक है उस बैंक का जो 3 मंथ्स ओल्ड जो भी है पेटीएम पेमेंट बैंक अगर है, देन पेटीएम पेमेंट बैंक जहाँ पर भी आपका लिंक है, आपका एक जीमेल लिंक होगा, तो जैसे मेरा एयरटेल पेमेंट बैंक है उसका लिंक होगा, तो सॉरी मैंने अभी यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का दिया, तो उसका जो लिंक है उसका जो लास्ट 3 मंथ्स का जो भी कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है उसको पता होगा, उसका एक आपका आपके पास आ रहा होगा जो सीन की, देखो भाई ये आ रहा है, ये ट्रांजैक्शन हुआ है 3 मंथ के अंदर, तो उसका एक सिंपल सा एक चिपका देना है यहाँ पर, ओके, स्क्रीनशॉट लेकर, इतना ही जो मैं चिपका लेता हूँ। को और एक ऑप्शनल चीज़ मांगा कि आप यहाँ पर कोई अलग चीज़ दे सकते हो, यो देख लेता हूँ क्या मांग रहा है, मतलब आप स्किप कर सकते हो। यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, अगर आपका जो बैंक अकाउंट नाम है और आपने जो नेशनल आईडी दिया है अगर उसके नेम सेम है देन आप इसको स्किप कर सकते हो, अगर अलग अलग है देन आप, और हमारा तो सेम ही होगा, ओके, देन यहाँ पर इसको सबमिट कर दो, ये वाला ऑप्शनल छोड़ दो, कि तो सबमिट कर दिए अभी, तो ये यहाँ पर ये रिक्वायर नहीं था, बट अभी 3 दिन से इसको रिक्वायरमेंट में ले आए हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग यहाँ पर भी साइन अप कर रहे हैं, लूट रहे हैं, तो इसीलिए वो ये जो प्रूफ ऑफ ऑथेंटिकेशन वाला सीन ले आए हैं कि देखो आपको अभी क्या होगा ना, बैंक अकाउंट आउट करना होगा। बट 3-4 दिन पहले क्या था, सिर्फ आपको आधार कार्ड का फ्रंट पेज, बैक पेज और फेस वेरीफिकेशन करो, देन बात खत्म, 24 आवर में आपको $3 मिल जा रहा था, ओके। बट अभी ऐसा सीन आ रहा है तो फिर भी सही है, हमें डाल देते हैं, यहाँ पर हमारा कोई बैंक से कोई लेना देना नहीं है, ओके। और यहाँ पर ये आपका बैंक का कोई एक्सेस वगैरह नहीं ले रहे, जैसे आपको पता है जैसे जो होता है जो ऑब्स्ट्रक्स वगैरह होता है वो क्या बोलते हैं मेरे को याद नहीं आ रहा है, ओके, जो वो वाला रहते हैं वहाँ वो आपका बैंक का एक्सेस ले सकते हैं, कि आपको पता है बैंक का वेरीफिकेशन OTP वगैरह लेते हैं, बट यहाँ पर ऐसा कुछ सीन नहीं है, ये जो आप हम जो डिटेल्स दे रहे हैं ये एक बंदा एक चुटकी में निकाल सकता है, ओके। तो ये सब ये एक पब्लिक चीज़ है जो सबको ही निकाल सकता है, तो इसको हम सिर्फ प्रूफ ऑफ ऑथेंटिकेशन में डाल लें, ओके। तो यहाँ से आपका बैंक का कुछ भी इश्यूज नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा एक्सेस वगैरह नहीं ले रहे हैं, जैसे अपटॉक्स वगैरह होता है वहाँ पर ऐसा कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर, ओके। तो सिंपल से इतना डाल दिया, तो अभी इतना बात खत्म, हमारा दोनों अभी सही से पड़ चुका है, ओके। तो हमारा Level 2 का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, बट मैंने डाल दिया ऑप्शनल के तौर में कि आपका एक ही बारी में हो जाए, क्योंकि कुछ कुछ बंदों का 10% लोगों का यहाँ पर फेल हो जाता है KYC, ओके, तो मैंने बता दिया। बट आपको सिर्फ यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट है कि आपको आधार कार्ड का फ्रंट पेज, बैक पेज और फेस, ये रिक्वायरमेंट है। Level 2 आपको कतई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बता दिया, ओके, जो करेगा करेगा, नहीं तो आप सिर्फ ये Level 1 कंप्लीट कर देना, ओके। अभी बात खत्म, ये आज हो गया 11:30, कल 11:30 सुबह को मेरा KYC अप्रूव्ड हो जाएगा, क्योंकि मैंने सब कुछ डाल दिया, ओके। तो ये अप्रूव्ड होने के बाद क्या होगा ना, देखो यहाँ पर कूपन के सेक्शन में जाना, जैसे साला कूपन कहाँ गया, हाँ आ गया, तो यहाँ पर जो $3 था यहाँ पर जैसे आप आओगे यहाँ पर आपको $3 USDT एक्टिवेटेड हो गया होगा, और आपके यहाँ पर वॉलेट के सेक्शन में आकर चेक करोगे तो आपको $3 USDT यहाँ पर मिल गया होगा। तो अभी बात आ रही ओडल की, तो ओडल के बाद बताने से पहले मैं और एक बात बताता हूँ, तो अभी मैंने बताया था $18, तो वो क्या सीन है, तो देखो यहाँ पर टोटल आपको 3 कूपन मिलेगा, एक है $3, एक है $5, एक है $10, ओके। तो यहाँ पर $3 का रूल्स मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली सब कुछ मैं आपको करके दिखाता हूँ। $3 का रूल्स डायरेक्टली लिखा गया कि कंप्लीट KYC Level 1 आपको 24 आवर में पेमेंट मिल जाएगा, Level 2 का रिक्वायरमेंट नहीं था, बट मैंने बता दिया जो करना चाहते कर सकते हैं, ओके। तो ये गया $3, अभी देखो $5 वाला क्या रूल्स है वो भी देख लेते हैं, ओके। $5 वाला ये सीन है कि देखो यहाँ पर भी आपको Level 2 की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको Level 1 होना है, बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर $5 के लिए 2
एक्टिव डिपॉजिट फ्रॉम ए नॉन अंबर वॉलेट। ओके, तो आपको एक नॉन अंबर वॉलेट मतलब आपको कोकैन, बाइनेंस, जहां पर भी एक्सचेंज है, एक्सचेंज से मिनिमम 0.0025 BTC या 0.033 इथेरियम या 100 USD या 100 USDT या 3 डॉट या 0.25 BNB, इन जो पांचों बताया यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर इनमें से आपके पास कोई भी टोकन पड़ा हुआ है, ओके, टोटल वर्थ $100 का होना चाहिए। तो सिंपल से मैं ये प्रो लूटर्स के बारे में बता रहा हूँ, जो प्रो लूटर्स है उनके बारे में बता रहा हूँ, और $5 कैसे लूटना है। अगर आपके पास एग्जाम्पल के तौर में ले रहा हूँ, अगर आपके पास $100 का TETHER USDT पड़ा हुआ है, TETHER USDT पता है अगर है, तो सिंपल से लाओ यहाँ पर, आप यहाँ पर क्या करो ना, एक्टिवेट के ऑप्शन में क्लिक करो। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो KYC Level 1 सिंपल से करना है, नॉट KYC Level 2। जब मैंने दोनों का दोनों डाल दिया, ओके, देन देखो KYC Level होने के बाद सिंपल से क्या करो ना, $100 डायरेक्टली $100 वर्थ का USDT डालो या BNB डाल दो या डॉट टोकन है तो वो डाल दो या इथेरियम BTC। में आपको नहीं बताऊँ क्योंकि वहाँ पर फीस वगैरह लगता है, तो आप ये आप ज़्यादातर BNB या TETHER USDT है तो उसको मैं ज़्यादातर प्रायोरिटी देता हूँ। ये दोनों में से अगर आपके पास है, पता है ट्रस्ट वॉलेट से जो विड्रॉल करने से वहाँ पर फीस ज़्यादा भी नहीं लगता, बहुत ही कम लगता है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली TETHER USDT को यहाँ पर सेंड कर सकते हो। तो या आपके पास मार्जिन जो BNB है, सिंपल BNB, मार्जिन में सिंपल BNB है, तो उसको भी यहाँ पर $100 का सेंड कर देना, देन आपको क्या होगा ना, $5 ये वाला भी एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, तो $3 तो हो गया हमारा जो KYC के Level 1, $5 इसके लिए कि आप अगर $100 का यहाँ पर डिपॉजिट करते हो कोई। ओके, तो मैं ये आपको कभी भी नहीं बताऊँ कि ये वाला करो, बट ये वाला कर लेना, सब लोगों को $3 मिल जाएगा। ओके, तो अभी $10 वाला क्या रूल है वो भी देख लेता हूँ। $10 वाला बहुत ही गंदा वाला सीन है, 10 डेज तक भाई देखो ये हम नहीं कर सकते, तो इसको हटाओ। ओके, तो हमें देखो पे दो दो चीज़ का ध्यान देना, एक है $3, एक है $5। $3 बोल रहा हूँ सिंपल लूटर्स के लिए, $5 बोल रहा हूँ प्रो लूटर के लिए। जो प्रो लूटर है वो $8 लूट लेगा, जो सिंपल लूटर है वो $3 लूट लेगा। ओके, 24 आवर में आपको पेमेंट मिल जाएगा। सिंपल सा फंड है, KYC होगा तो 1 सेकंड में पेमेंट। ओके, KYC होगा तो 1 सेकंड में पेमेंट। ओके, सिर्फ आपको Level 1 कंप्लीट करना है, ना कि Level 2, बट मैंने आपको थोड़ा ज़्यादा बता दिया। ओके, तो आप कर सकते हो। हाँ, अभी बताता हूँ, देखो अगर आपके कोई आपको कस्टमर केयर से बात करना है वो भी बताता हूँ, क्योंकि ये भी बहुत लोगों का दिक्कत आएगा। सिंपल से कॉन्टैक्ट नहीं, मैं आपको डायरेक्टली जो आर्मी ने है उसका मैं यूजर नेम दे दूंगा चैनल में, आप उससे कॉन्टैक्ट कर लेना, वो आप उससे कॉन्टैक्ट करना, वो रिप्लाई दे देगा। ओके, मैंने कल परसों उसके साथ बात किया था, तो वो बोला कि नहीं सही सीन है, मैं देख लूँगा। ओके, तो फिर भी मैंने कॉन्टैक्ट कर दिया है, बट फिर भी आप अपने हिसाब से अगर कोई दिक्कत होता है तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना। ओके, मेरा कंपनी नहीं है ये। ओके, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। अभी देखो बताता हूँ उड्रॉल का सेल, अगर आपको $3 मिल गया तो सिंपल से यहाँ पर मिनिमम उड्रॉल $10। ओके, तो सिंपल सा सीन है, देखो भाई क्या करो भाई, कूकन से क्या करो ना, $10 का BNB यहाँ पर ऐड कर, सॉरी USDT ऐड कर दो। ओके, समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ, वो याद रखो। $3 का यहाँ पर आपको मिल गया साइन अप में, जो सिंपल लूटर है उनके बारे में बोल रहा हूँ। मिलने के बाद सिंपल से आपको मैंने बहुत सारे वीडियो बना के दिया हूँ, सिंपल से कूकन से क्या करो ना, $10 यहाँ पर डिपॉजिट करो। देखो यहाँ पर आपको USDT आ रहे हैं, तो USDT के ऑप्शन में क्लिक करो, USDT या BNB जो भी कुछ है जिसमें आपको सबसे कम फीस लगे वही यूज करना, BNB भी सही है। देन यहाँ पर स्वाप के ऑप्शन में क्लिक करना, क्लिक करने बाद ऊपर में आपका जो USD दिखा रहे हैं वहाँ पर, अगर मैं एग्जांपल के तौर में ले रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर BNB नहीं है तो आपको USDT करना होगा, तो USDT यहाँ पर डिपॉजिट करना, ऊपर में USDT, नीचे में जो BTC है उसमें USD। ओके, USDT अलग है, USD अलग है। ओके, तो आप मैं एग्जांपल के तौर में बता रहा हूँ, आप कूकन से $10 का यहाँ पर USDT ऐड कर दिए, देन यहाँ पर ऊपर में USDT, नीचे में USD रखना। ओके, ऊपर में लिखना 10 और यहाँ पर देखो यहाँ पर आप कंटिन्यू करके करना। ओके, मेरा ये रेड कलर का इसलिए लिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी तक $10 का USDT ऐड नहीं किया, तो आप यहाँ पर ऐड कर देना $10 का कूकन से, देन सिंपल से यहाँ पर कंटिन्यू कर लेना। क्या होगा कि आपका $10 जो USDT वो USD में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो आपको मिला था साइड नंबर $3 और आपने $10 का USDT यहाँ पर स्वाप करके USD ले आए, तो आपके पास टोटल हो गया कितना ना, $13। उस $13 को आप डायरेक्टली मेरे को मत सेंड करना। ओके, डायरेक्टली आप अपने कूकन को सेंड कर देना, देन कूकन से बैंक। ओके, कूकन में लेने के बाद अगर भाई उससे बात ईजी है, ओके, तो आप डायरेक्टली भाई कूकन से, आपको पता है बहुत सारे लोगों को पता है फिर भी दिक्कत आता है कूकन से, देन मैं हैंडल कर लूँगा। ओके, तब तक के लिए आप अपने हिसाब से देख लेना। सिंपल से फिर से बता रहा हूँ, फिर से रिव्यू कर देता हूँ, अगर आप सिंपल लूटर है तो आपको $3 लूट लेना, अगर आप प्रो लूटर हो तो 3+5 टोटल $8 लूट लेना। ओके,
और क्या बताऊँ, सब कुछ बता दिया हूँ, फिर भी कोई चीज़ छूट गया तो मोस्ट मोस्ट कमेंट में बता देना, मैं टेलीग्राम में बता दूंगा। तो ये कोई मेरा प्रमोशनल एप्लीकेशन वगैरह नहीं है, एक भी प्रमोशन अभी तक नहीं किया हूँ। तो ये गया सीन, सब बात खत्म। और बात रही, लास्ट में एक सर्वे रख देता हूँ, छोटा सा सर्वे। देखो मुझे पता है ये लूट कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा, बट क्या करूँ, ओके आदत से मजबूर हूँ। तो अभी देखो बताता हूँ, सर्वे ये है कि देखो मैंने जितने भी सारे लूट्स बताए, उस बहुत सारे लूट्स हैं कि मैंने देखो यहाँ पर सिर्फ 100% लूट्स हैं, मैंने सिर्फ 15% लूट्स का मैंने उड्रल ट्रिक बताया। कुछ ऐसे लूट्स हैं जहाँ पर मैंने उसका उड्रल ट्रिक अभी तक नहीं बताया, बट मेरे को ढंग से याद नहीं आ रहा। तो आप मोस्ट मोस्ट मेरे कमेंट में आज भर दो, जो भी कुछ मैंने लूट दिया था उसका अगर मैं उड्रल ट्रिक नहीं दिया हूँ तो कमेंट में बता देना। सब कुछ मैं 15 दिन के अंदर जितने भी बताओगे सबका क्लियर आउट कर दूंगा, ओके गारंटेड बता रहा हूँ। 15 दिन के अंदर जितने भी आप उड्रल का मुझे बोलोगे आज कमेंट में, सबका मैं उड्रल ट्रिक 15 दिन के अंदर आपके पास दे दूंगा, जितने भी बोलोगे। बट हाँ याद रखना, वो सब लूट मैं देना चाहिए। अगर देखो मैं एक लूट नहीं दिया हूँ, कोई अलग यूट्यूबर दे रहा है, तो उसका ट्रिक मैं क्यों दूँ? अगर वो लूट मैंने दिया है और उसका ट्रिक मैंने अभी तक नहीं दिया है, तो मोस्ट मोस्ट कमेंट कर देना। मैं उड्रल ट्रिक आपको 15 दिन के अंदर जितने भी आज कमेंट आएंगे सबका उड्रल ट्रिक दे दूंगा। जैसे मैंने किस किस का दे दिया है, सोलट वाई का सेल सोलट का कैसे उड्रल करना है दे दिया है, इसी चैनल में देख सकते हो। और मैंने पैनकेक स्वाप में कैसे उड्रल करता है उसका दे दिया है। और मैंने अभी कुछ दिन पहले जो डेंटा कन का दे दिया था, और बहुत सारे का दे दिया। मुझे याद है मैंने अभी तक लॉबस्टर का नहीं दिया है, और जो एग टोकन का नहीं दिया है, और एक याद था कि तीन मैंने लिखा हुआ था। तो और भी कुछ मैंने इसी का उड्रल ट्रिक नहीं दिया, तो मोस्ट मोस्ट आज कमेंट में भर देना। 15 दिन के अंदर जितने भी वो लोग सबका मैं क्लियर आउट कर दूंगा अगर वो लूट मैंने दिया था तो। ओके तो इस वीडियो में इतना था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन मोस्ट मोस्ट लाइक कर देना। मुझे पता है कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, बट क्या कर सकता हूँ, ओके जो भी लूटे मेरा काम है मैं आपके तक पहुँचाऊँ। ओके तो अभी आपकी मर्जी क्या लगा। ओके तो इतना ही बताऊँगा, तो वीडियो को चाहो तो एक लाइक कर देना, और कल या परसों तक मेन चैनल में न्यू वीडियो आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, लव यू ऑल।